इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में कि अब की बार मोदी सरकार, तो वो और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी कटा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देर इज नो रूम। पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरार को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। वो आए हुए इंडिया और एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने सबसे पहले कहा, अब की बार मोदी सरकार 400 पार के, अब की बार मोदी सरकार। तो साजिद तरार अपने भारत में बैठकर जो पाकिस्तानी पत्रकार है आरजू काजमी, उनको भारत के बारे में क्या बता रहे हैं भाई साहब, सुनकर आप चौंक जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेट्स गो। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब, और इस बार ताड़ साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। होने भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरा इस वक्त कोविड के बाद ये पहला ट्रिप है और मेरे लिए खुद बड़ा इमोशनल होता है। मैं हमेशा ही जब भी मैं भारत आता हूँ, और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह मैंने आपको कई दफा पहले कहा कि भारत इस बार सेकंड होम, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मेरी इतना एक जो रिलेशनशिप इतने मेरे दोस्तों के दोस्त बहुत ज्यादा है, या मेरे फैमिलियां हैं, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा फैमिलियां हैं बल्कि, और फिर इतना प्यार है और एक कल्चर है, एक है हम दर हकीकत, जो जिस तरह भी मर्जी कर ले आप। मैं बल्कि देख रहा था कई लोग नेगेटिव भी इसको करते हैं, नहीं जी डीएनए फला है ये है, हम पता नहीं हम तो दूध के धुले हैं। देखिए ये सब कॉन्टिनेंट, आप रिगार्डलेस, आप भारत इंडिया सिर्फ नहीं है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, वी आर सेम पीपल ओरिजिनली अगर देखा जाए तो। आप देखिए जरा कभी आप इंडस वैली का, जहां से नाम इंडिया निकला है इंडस वैली, सिंध जो है उसका, उसको पढ़ के देखें, उसके बाद चनकिया सिविलाइजेशन, उसके बाद आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखें, और उसके बाद अपने सोचें देखें, अपने सारी चीजें देखें, तो इट इज। मैं बल्कि अभी आ रहा हूँ, बफे पे था मैं अभी नीचे लंच, तो कुछ दोस्त आए थे तो वहां पे मुझे मिले, उन्होंने मुझे अपना लास्ट नेम बताया, तो मैंने फौरन उनको डिस्ट्रिक्ट बता दिया था कि आप पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है, तो ही वाज शॉक्ड। लेकिन उसमें बात यह है कि मैंने बल्कि आप हैरान होंगे, आरजू के इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस होटल जहां मैं ठहरा हूं, और वो जो मुझे वो जो सैगल साहब मिले हैं, उनका लास्ट नेम सैगल है, तो वो जो मिले मुझे, तो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे तो खड़े, मैंने कहा यार मेरे साथ ये खड़े हैं, इनकी आंखें देखें, इनका फीचर्स देखें, इनका नाक देखें, तो ही लुक लाइक माय यंगर ब्रदर, कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा किसी चीज का। तो फिर इतनी नफरतें मेरे ख्याल में ये दौर नहीं है नफरतों का, मेरे मैं जो मैं व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरी ये बात, जब भी आप किसी चीज से नफरत करते हैं, ये किसी भी इमोशंस में आप एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो अपने अपने आप जो जहन होता है उसको बंद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में उस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए दो दफा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नहीं सर, हम एक नहीं है, एक होते तो अलग होते ही नहीं। पाकिस्तान का माइंडसेट अलग है, हम भारतीयों का माइंडसेट अलग है। हम एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, हम अपने देश को नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वो मजहब को सबसे आगे रखते हैं, गजवाए हिंद के ख्वाब देखते हैं, भारत से नफरत करते हैं, काफिरों से नफरत करते हैं। और हम नफरत नहीं करते, हमें सिर्फ प्यार ही सिखाया गया है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो आप है सर, क्योंकि आप हमारे हिंदुस्तान में बैठकर हमारी तारीफ कर रहे हैं, और क्या प्रूफ चाहिए पाकिस्तानियों को। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा ट्रिप। मैं समझता हूँ कि मैं इस दफा जब पहले भी मैं खैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, उस वक्त अभी नया नया बना था, लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं कि जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही है, जा रही है, तो उसकी वजह से, बल्कि मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब से एशिया गेम हुई है उसके बाद जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं उसके बाद मुसलसल, और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं बस शॉक, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ हम 4-5 दोस्त हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से हम इंदौर भी जाएंगे, पंजाब भी कटा जाएंगे, तो मुख्तलिफ होटलों में हम लोग ठहरे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि देर इज नो रूम। और उसमें वो जो समिट हो रही थी जिसमें 15 फॉरन मिनिस्टर
मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे और ग्रीक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे, बल्कि उन्होंने वो नारा लगा दिया उन्होंने जाती दफा के अब की बार 400 जो मोदी साहब का स्लोगन है इस वक्त के वो 400 की सीटें लेंगे, वो उन्होंने भी कह दिया, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो वो और दूसरा इलेक्शन का चल रहा है सिलसिला यहाँ पे मोदी साहब की ह्यूज लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, उनकी विक्ट्री नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो जो बार बार कह रहे हैं 400 का नंबर मुझे लग रहा है अचीव करेंगे अब की बार 400 बार, और आप सबको भी मोदी जी को ही लाना है। और दूसरा इस वक्त जो है चल रहा है नेवी की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त भारत की और मालदीव की और श्रीलंका की, और उसमें बांग्लादेश है जो वो ऑब्जर्वर है उसमें, ये एक बहुत बड़ी बात है, सिग्निफिकेंट बात है चाइना के हवाले से देखा जाए। फिर उसके बाद जो इस वक्त खबरें आ रही हैं देखा जाए तो अजरबैजान आपसे जहाज ले रहा है, पाकिस्तान से खरीद रहा है, वो एक नई खबर है। आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है, आप $6 बिलियन आप मजीद IMF से ले रहे हैं, काकड़ साहब जो है वो सीनेट के चेयरमैन बन रहे हैं, खबरें तो बहुत है। लेकिन दुख अफसोस ये होता है जब मैं यहाँ से बिलखसूस जब बैठ के बात करता हूँ कि दुनिया की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, और हमारे लिए एक कमिश्नर लेवल जो कि तहसीलदार था एक चट्ठा साहब, मैं माजरत के साथ ही ये नहीं कि उनकी मैं कोई करेक्टर असैसिनेशन करने का ख्याल है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया है, एक स्टेटमेंट दे के फिर हफ्ते बाद उसकी माफी मांग ली है। और उसके बाद इस वक्त इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने IMF को लेटर लिख दिया, हालांकि इमरान खान साहब को यही नहीं पता कि IMF हैज नथिंग टू डू विद अपोजिशन पार्टीज, वो तो स्टेट को पैसे देते हैं स्टेट से वापस लेते हैं, आप कौन होते हैं उनसे बातें कम्युनिकेट करने वाले, खान साहब को अभी तक यही नहीं पता चला। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि मेरे तो ख्याल में अगर ذاتی طور پہ پوچھے میں دو تین جو باتیں پچھلے دنوں سامنے آئی ہیں دو باتیں بلکہ ہمارے افضل چند صاحب کے حوالے سے جو پولیٹیشن ہیں ان کے حوالے سے دو خبریں ہیں بلکہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بس چلے تو میں جا کے عمران خان صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں جا کے جیل میں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، دوسرا جب چند صاحب کی بات ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے اگلے دن ایک نیا الزام لگایا کہ 5 کروڑ روپیہ مانگا گیا ان سے الیکشن جیتنے کے لیے، یہ بھی خبر ہے اس میں۔ آج جو میں ایک اور میں ان کا بہت فین ہوں شبر زیدی صاحب کا، ویری آؤٹ اسپوکن ویری بلڈ اسپیکر ویری سنسیئر پاکستانی، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ چاہیے تو ایسے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں کو چاہیے اڈیالہ جیل جا کے خان صاحب کو ساتھ لے کر ایک جوائنٹ گورنمنٹ بنائے انہوں نے، لیکن میچیورٹی، لیکن اس میں آرزو اگر دیکھا جائے تو دنیا کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے آپ ابھی تک میچیور نظر نہیں آ رہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ 6 بلین جو مانگا جا رہا ہے IMF سے وہ کیوں لیا جا رہا ہے، وہ لیا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کو $24 بلین جو ہے مارچ میں ان کی قسطیں دینی ہیں آپ نے، لیکن قوم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا، بتایا کیوں نہیں جاتا کہ ہم کیوں لے رہے ہیں اور اس کا کیا کریں گے، اس کو کون کون کھائے گا، کون کون لوٹے گا، بتایا کیوں نہیں جاتا۔ میں نے کئی دفعہ اس چیز کی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، یہ ہمارے آصف منیر صاحب کا، جو ریئل سٹیک ہولڈر ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے قوم کو بتائیں کہ $6 بلین IMF سے لیا جائے گا، اس کے پائی پائی کا حساب یہ ہوگا، کون کھائیں گے، آپ کے آرمی والے ہی کھائیں گے، کون حساب دے گا، کیسی باتیں کر رہے ہیں سر آپ، جو کھاتے ہیں وہ حساب دیں گے۔ پھر میرے جیسے لوگ جو فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ لندن کی ریئل اسٹیٹ مہنگی ہونی شروع ہو جائے گی، ٹورانٹو بھاگنا شروع ہو جائیں گے آپ کے افسران، یہ ان سب چیزوں کو تقویت ملتی ہے۔ میرے جیسے ایک عام سے آدمی ہے، ان کو لانے والے بہت اسٹرانگ تھے نا، ان کا ریفرنس بہت اسٹرانگ ہے، اور اسی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی میں اب جا رہے ہیں اور پھر وہ سینٹ میں جائیں گے، یہ سارا لانے والے۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاکڑ صاحب کو پرائم منسٹر بننے سے پہلے کوئی نہیں جانتا، میں ان کے پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کاکڑ صاحب بےچارے کون ہے، میرے جیسے ایک شریف آدمی ہے، لیکن ان کی لاٹری نکل آئی ہے، گھڑے میں سے نام نکل آیا ان کا اور دوسری دفعہ پھر نکل رہا ہے۔ तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, यो यो गुड बाय।